स्वागत है, मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चामुंडेश्वरी से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट सिद्धरमैया को हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि दूसरी सीट को वो मुश्किल से बचाने में कामयाब रहे हैं। जी हां, जीटी देवगौड़ा ने सिद्धरमैया को 30,000 वोटों से हरा दिया है, जबकि सिद्धरमैया ने बादामी से श्रीरामुलु को हरा दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आने के बाद राज्य विधानसभा की तस्वीर साफ हो गई है और कांग्रेस केवल 3 राज्यों में हिस्सेमट कर रह गई है। इसमें से एक राज्य ऐसा है जिसमें इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अब केवल एकमात्र पूर्ण राज्य पंजाब में ही रह गई है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी उसी की सरकार है। पूर्वोत्तर के छोटे राज्य मिजोरम में भी कांग्रेस है, लेकिन वहाँ कांग्रेसी सरकार का कार्यकाल इसी साल पूरा हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 4.25 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। एसआईटी ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत चार्जशीट दायर की है। पीएम मोदी ने रात अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया और स्मृति ईरानी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मुक्त कर दिया। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। स्मृति ईरानी का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा था, उसके स्थान पर राज्यवर्धन राठौड़ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी बीच आग लगने की घटनाओं में भी लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली में देर रात आग लग गई, जिससे दर्जनों झुग्गियां जल गई। गनीमत रही कि इसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। कासगंज के कछला गंगा घाट पर स्नान को आए 3 युवकों की गंगा में डूब जाने से मौत हो गई। डूबने वाले तीनों युवकों की उम्र 18 से 22 साल बताई जा रही है। वहीं एक युवक को आसपास के लोगों और किसानों ने नदी में छलांग लगाकर जान से बचा लिया। बताया गया कि चारों युवक राजस्थान से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे और वहीं से ये लोग गंगा नहाने पहुँचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कासगंज पहुंचे। यहां पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर न उतरकर खाली खेत में उतरा। अधिकारियों में इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुख्यमंत्री खेत से पैदल चलकर आए। बताया जा रहा है कि ये घटना हेलीपैड बनाने में हुई चूक के चलते हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने कासगंज बवाल में मारे गए चंदन गुप्ता की बहन और पिता भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आजम खान एक ट्रैक्टर चालक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आजम खान जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते पर सड़क किनारे ट्रैक्टर गाड़ी चालक खड़ा करके नमाज पढ़ने गया हुआ था। फिरोजपुर में से हमारे संवाददाता मंजीत सिंह के मुताबिक मानवाधिकार भाई बालाजी सोसाइटी पंजाब की तरफ से एक विशेष मीटिंग माल रोड के मुख्य ऑफिस में चेयरमैन पंजाब मंजीत सिंह सोडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मीटिंग में अलग अलग जिले से प्रधान के सोसाइटी मेंबरों ने मीटिंग में पहुंचकर अपने अपने विचार रखे। पंजाब के चेयरमैन मंजीत सिंह सोनी और सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी गुरप्रीत सिंह छाबरा ने कहा कि ये सोसाइटी कई सालों से समाज की बेहतरी और अपने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए यत्नशील रही है। हाँ जी, मैं मनजीत सिंह सोडी चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पंजाब का। जी साड़ी बड़ी पुरानी यह संस्था चलती पी हैगी है, वो जिन्हें भी इतने मोहतबार बंदे है ने, सारे सारी संस्था के नाल जुड़े हुए हैं और जो किसी से भी कोई कहो जी प्रॉब्लम होंगी असं वो खड़े हुए हैं और कोई भी जी पब्लिक भी कई बार नजायज़ चीज़ा होंगे ने जैसे पुलिस की हो या कोई भी असं उन्होंने नाल जाके उन्होंने पूरे उन्होंने संजोग दें और अच्छ काफ़ी बंदे साढ़े नाल होर जुड़े है जेड़े कि वह कहते हैं कि सारी संस्था लाओ और वो भी बंदे नू असी सारे इकट्ठे करके अपने नाल लैके चल रहे हैं और अपने इन होर असी वधा रहे हैं। मैं गुरप्रीत सिंह छाबड़ा ह्यूमन राइट पंजाब बतौर सैकटरी पिछले कई सालों को कम कर रहा। साढ़े को जिन्हें भी समाजिक मसले आते हैं असं उन्होंने मसलों बारे आपस में चर्चा करने के बाद कंसर्न अधिकारी तक वो मसले पहुँचाते हैं। उन्होंने मसलों को पहुँचाने बाद असी पूरी कोशिश यही करते हैं कि साढ़े को जिस तरह का भी मसला है वो इमीडिएटली सॉल्व होवे ताकि लोगों को इंसाफ मिले और लोग साड़ी सोसाइटी पर भरोसा करके सानू आने वाले समय में नवे मसले पेश करते रहन सुलझाते रह सके। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कई दिनों से चल रहे जमीनी विवाद में भारतीय किसान यूनियन के नेता फिरोजपुर के डीसी दफ्तर के बाहर धरना लगाए बैठे हैं, जिसमें कि दो औरत भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं, जिनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक और नजदीकी रिश्तेदार हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आज उनका हाल पूछने आपके नेता सुखपाल सिंह खैरा फिरोजपुर पहुंचे और उनकी
गाड़ी का घेराव कांग्रेस के वर्करों ने किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो कांग्रेसी वर्कर पुलिस के साथ उलझ पड़े। देखो पंजाब जंगल राज है, वो अज कांग्रेसियों ने फिरोजपुर सिद्ध कर दिता। एडे भुख लाए औरतों की जिहड़ियां भुख हड़ताल से बैठिया, मैं तो उन्होंने गल सुन गया और गल सुन तो बाद बेइंसाफी हो रही, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गल करनी सी। लेकिन ये कांग्रेस के गुंडे क्योंकि आदि हो चुके हैं ना अमरिंदर सिंह की शह लाडी अर्गियां नूं, ये बदमाशी अज मीडिया के सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्पलैक्स के फिरोजपुर शहर के सामने दिने आ 2 बजे दोपहरे अज इन्होंने पुलिस नूं भी कुटिया और मेरी जी गड्डी आ उसनों रोकण की कोशिश की और मैनू मेरे साढ़े खिलाफ जरा BKU तो आम आदमी पार्टी ने धरना लाया उत्थे पहले लाउड स्पीकर के उत्ते गंदियां मावां भैणां दियां गाणा कढ़दे सी। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पंजाब आंगनवाड़ी वर्करों की लगातार चल रही हड़ताल और धरने प्रदर्शन को लेकर आज फिरोजपुर में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोनी की कोठी पर घेराव करना धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की पंजाब प्रधान हरि गोविंद कौर धरने पर विशेष तौर पर पहुंची। उन्होंने बताया कि आज हम कैबिनेट मंत्री को अपने खून से लिखकर मांग पत्र देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये धरना 14 मई से 19 मई तक जारी रहेगा। असी अज आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन वालों अपने मंगा नूं लै के पंजाब दे विच जिन्ने भी कैबिनेट मिनिस्टर आ उन्हां दे घरां दे सामने अज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दिन का साडा प्रोग्राम है, 14 तों लै के 19 तक। असी सरकार कोलों मंग कर रही हैं जी कि जिहड़े आंगनवाड़ी केंद्रां दे बच्चे प्रायमरी स्कूलां दे विच बिठाए गए है वह बच्चे साढ़े वापस किए जाण, तो जिहड़े आंगनवाड़ी केंद्रां दे आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर आ उन्हां दा जिहड़ा मान भत्ता है वह हरियाणा पैटर्न ते दित्ता जाए, NGO कोल चलदे बुला के उन्हां नूं वापस लिया जाए। असी इहनूं लै के 105 दिन हो गए, अज बठिंडे दे विच साडा धरना लग्गिया। असी बहुत ज़्यादा सरकार दे नाल लड़ाई कर रहे हैं, MLA दे घरां दा घराओ किया, कांग्रेस के प्रधान का घराओ किया, पर सरकार बड़ी नठली हो चुकी है कि साडी गल वल कोई ध्यान नहीं दे रही। तो असी अज फैसला किया है कि थां थां ते असी आपदा लहू नाल मंग पत्र लिखांगे ते नाल ही असी अपना जिहड़ा ब्लड है वह कढ़वा के सरकार नूं पेश करांगे कि तुसी लोकां दा लहू चूसन ते होए होए हो तो इदां चूसन की थां ते असी तुहानूं आप ही पेश करदे हां, पी लो जे तुहाडा कोई गुजारा हो सके। तो यह जिहड़ा साडा धरना पहला भी वैसे तो धरने अज तो 4 महीने पहला लगातार साडा एक धरना बठिंडे वित्त मंत्री दे बार मूहरे लगा होया 106 दे दिनां दे विच शामिल हो गया, लेकिन यह गूंगी बोली सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। तो यह अज जिहड़ा साडा कैबिनेट मंत्रियां पंजाब दे सारे कैबिनेट मंत्रियां दे बूहे अगे धरना है तो साडियां यह जायज मंगा ही आ कि हरियाणा पैटर्न दिता जाए तो जिहड़े साडे आंगनवाड़ी दे बच्चे वापस सानू दिते जाण, तो NGO नूं दिते ब्लाक वापस मुख विभाग लिया जाण, पेंशन या ग्रैजुएट दिते जाए। अज इन्हां ने मैनूं अपना मंग पत्र दिता है, हुण इह अपने खून दे नाल इन्हां ने लिखिया होया है, मैं इहनूं पढ़ांगा और सोडी साहब दे ध्यान च दवाउणा है और इन्हां नूं मैं भरोसा दवाया है ते और सोडी साहब कोलों इन्हां दीआं जिहड़ियां मंगां है वो अगे CM साहब दे तक पहुँचाउणगे और मीटिंग लैके देवांगे और इन्हां दी मंगां पूरियां करवाउणगे। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 15 महीने के निचले स्तर पर खुला है। रुपया आज 17 पैसे टूटकर 67.68 के स्तर पर खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपये में कल भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 19 पैसे की गिरावट के साथ 67.51 के स्तर पर बंद हुआ। IPL 2018 का 48वां मैच एक तरफा रहा। RCB ने पंजाब को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। बेंगलोर को जीत के लिए 89 रन का लक्ष्य दिया गया था जिसे एक टीम ने 8.1 ओवर में ही बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। बॉलीवुड की धकधक गर्ल कहलाई जाने वाली माधुरी दीक्षित का आज जन्मदिन है। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। आज भी उनका जादू बरकरार है क्योंकि वो एक बार फिर से फिल्मों में नजर आने वाली हैं। दिन भर की खास खबरों मेरे साथ सिर्फ इतना ही, देखते रहिए A1 News TV।